सलाम वालेकुम दुनिया वालों, क्या हाल चाल है। सिनेरियो कुछ ऐसे हैं कि ना, एक मिनट। हाँ, सिनेरियो कुछ ऐसे हैं कि आज मैं सुबह उठा 7 बजे, और 7 बजे से लेकर 7:50 तक मैं उसी जगह पर बैठा रहा जहाँ पे मैं उठा था। हाँ, तो कभी कभी आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में ख्यालात इतने ज़्यादा होते हैं कि यू कांट प्रॉबली फेल दम देम ऑल एट वंस, बट यू वॉन्ट टू। दैट्स हाउ आई वॉज फीलिंग टूडे। और अगर इस सब के दरमियान आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें और आपकी ज़िंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा हों, तो समझ जाइएगा कि आपकी ज़िंदगी के मतलब आपने सही रिफ्लेक्ट किया है, अनलाइक मी। मुझे अच्छी तरह याद है वो टाइम जब मैं आतिफ असलम से मिला था। मतलब हाँ, मैं आतिफ असलम से मिला हूँ, तस्वीर भी है। इस सब के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि आई एम केपेबल ऑफ बींग अ सिंगर। एक गाना है बड़ा मशहूर, गाने का नाम है पू पू, सुनाऊँ मैं आप लोगों को? सुनना भी। दीवानगी तेरी है खुश नसीब तू भी, कैसा बनाया तूने राजा। हाँ, कल के व्लॉग में ना यार ये बात थोड़ी सी मिसलीडिंग थी। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो फिर मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ूँ, और अगर मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, जब मेरे नंबर नहीं आएंगे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनूंगा। दैट्स द समरी, ये कहना चाह रहा था मैं। हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सलाम वालेकुम जी। सिनेरियो कुछ ऐसे हैं कि आई वॉन्ट टॉक अबाउट इनर ब्यूटी। एज क्लीशे एज इट साउंड्स, लेट मी मैं एक्सप्लेन करने का मौका दो मेरे को। सिनेरियो कुछ ऐसे हैं कि जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको हर तरफ क्या नज़र आता है? खूबसूरत लोग। गलत, हमें हर तरफ नज़र आता है खूबसूरत शक्लों वाले लोग, क्योंकि सुनते तो हम सारे हैं बेटा सूरत नहीं सीरत। कभी किसी ने अमल किया? आपने किया? नहीं। मैंने किया? नहीं। हम सारे यूज़ करते हैं स्नैपचैट। स्नैपचैट पे क्या होता है भाई, शक्ल हमारी नूर फैल जाता है शक्ल पे, और फिर जब स्नैपचैट के फिल्टर से हट के हम नॉर्मल कैमरे में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि भाई शक्ल पे तो लानत पड़ चुकी है, पड़नी नहीं है, पड़ चुकी है। और फिर हम डिप्रेशन होता है, बहुत बेशक थोड़े स्केल का हो लेकिन होता है कि भाई शक्ल क्या है, क्या व्हाट इज। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, और उस ओन स्किन से मेरा मतलब है कि जो लानत आपके मुताबिक आपके शक्ल पे पड़ी हुई है, उस लानत के साथ कंफर्टेबली जिंदगी गुजारो, उस लानत को नॉर्मलाइज करो अपने लिए और दूसरों की परवाह मत करो। सिंपल, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरे जो मर्जी सोचें। आपको पता है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना यू नो यू डिवेलप सेंस ऑफ इनॉर्मसनेस ऐसी चीज़ों के लिए, तो हर जरा 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 दरिया नहीं, कतरा कतरा दरिया बनता है। कतरे कतरे का डिप्रेशन तेरे को ले डूबेगा। आपको पता है कितना अजीब लगता है कि एक शख्स 60 बच्चों की क्लास में बैठा हुआ हो और 60 बच्चों में सिर्फ उस लड़के के बाल सफेद हों, और फिर जब खानदान वाले भी कभी मिले तो बेटा आपके तो बाल सारे सफेद हो गए। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और आई वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा और एनीथिंग, ये चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। एक लाइन है जिसमें 5 लफ्ज़ हैं, 6, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिंपल, डोंट एवर लेट एनीवन जज यू, एंड इवन इफ दे डू डोंट केयर अबाउट इट। माइक ड्रॉप, माइक है, एक मिनट। डोंट लेट एनीवन जज यू, माइक ड्रॉप। एम्ब्रेस योर इनर ब्यूटी, जो है वही रहेगा, तो उसी को अच्छा करने की कोशिश करो। वो है हमारी सीरत, क्योंकि शक्ल तो बनी है, शक्ल इंसान चेंज नहीं कर सकता, जो चेंज कर सकते हैं वो सीरत है, वो हम करते नहीं। करें, मैं भी कोशिश कर रहा। आज मेरी अम्मी ने मेरे से चाइल्ड लेबर करवाया, मेरे से कारपेट धुलवाया, तो कारपेट तो मैंने धो दिया था अच्छे बच्चों की तरह, बाजुओं में दर्द हो रही वो अलग बात है। तो अभी अम्मी ने फिर से हुक्म दिया कि बेटा वो जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर कर दो, जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे कर दो। अभी हम वो करने जा रहे हैं।